नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में यूपीएसआई बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विस टेलीग्राम पे हमने फ्री ग्रुप चलाया है बिल्कुल आप उसको तुरंत ज्वाइन करिए और फ्री प्रैक्टिस करना चालू करिए पंद्रह सितंबर से, से प्रैक्टिस करवाना चालू कर रहे हैं डेली अस्सी क्वेश्चन देंगे ठीक है एक दिन आपका जीके मूल विधि और संविधान और प्लस जो है हिंदी चालीस चालीस ये क्वेश्चन होगा और दूसरे दिन रीजनिंग और मैथ्स की इस तरह से डेली कंप्लीटली फ्री प्रैक्टिस चलाएंगे दूसरी चीज ये कि मैंने आपसे बोला है कि मूल विधि का मैं पूरा करवा दूंगा और उसी डायरेक्शन में मैंने आपसे बताया था अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जो है ये हो पाएगा सारे जो है हमने यहाँ पे चीजें करनी चालू कर दी टेंशन मत लीजिए पॉलिटी के संविधान के लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका था लेकिन अब मैं क्या करूंगा मैं पहले जो ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है वो वाले कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पे देने जा रहा हूं ठीक है आप इनको देख लो भैया इस वाले वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया इस टॉपिक में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए ये हो ही नहीं सकता है आप इसको पूरा पढ़ के देखिए यूपीएसआई में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के देखिएगा सारे इससे हल हो जाएंगे जो जिस टॉपिक का मैं देने जा रहा हूं ठीक है तो ये कुछ जो हमारे पॉलिटी के पहले मैं टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियो दिए दे रहा हूं फिर मैं एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव करके एक वीडियो बना के पूरा जो है आपको पॉलिटी का क्लियर कर दूंगा जो ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है जिससे पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और जिससे कंप्लीट ऑफिशियल जो है सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा बिल्कुल जो है अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ ट्रिक्स के साथ ठीक पूरा प्रयास जारी रहेगा फ्री टेलीग्राम में आप फॉलो करते रहिए वहां पर अगर आप फॉलो करेंगे सारी चीजें मिलती जाएंगी आरा फ्री टेलीग्राम है बिल्कुल स्टडी फॉर कोई श्पेसे 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 नहीं है ठीक है डिस्क्रिप्शन में दिया जाए लिंक वहीं से ज्वाइन करिएगा तरीका यह पहले टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लो ठीक है फिर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उससे इसको टेलीग्राम से ओपन करिए और ये ग्रुप आ जाएगा ज्वाइन कर लीजिए देखिए आपने पिक्स विक्स देना चालू भी करती है आप चाहे तो देख सकते हैं मीडिया सेक्शन में जाकर अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ मीडिया होता है फाइल होती है इसमें लिंक और वॉइस मैसेज अभी दिखाता हूं आपको ऑफिसियलबस ऑफि सिलेबस ये है ठीक है अब इसमें देखिए सबसे पहले मैं संविधान के कुछ छोटे छोटे पार्ट का वीडियो दे रहा हूँ आप इसका सिलेबस देख सकते हैं ध्यान से संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट नीति निर्देशक डीपीएसपी हो गया मूल कर्तव्य हो गया और ये जो है संवैधानिक हैं ठीक है तो ये वाले अभी जो है कुछ छोटे छोटे हैं प्लस और भी जितने भी हैं ये आप ये देख लीजिए पूरा सिलेबस सिलेबस के हिसाब से चलेंगे हम ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है सारे पॉइंट पहले मैं सोच रहा हूं छोटे छोटे एक वीडियो दे दूँ आपको फिर एक मैं कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिविविविविव दे दूंगा करीबन तीन चार घंटे का जिसमें सारी एक ही चीज एक ही क्लास में करके पूरा रिवीजन करा देंगे ठीक है और वो वाली जो क्लास बनाएंगे लास्ट में कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन की उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री दे देंगे अभी छोटे छोटे क्लासेस दे रहा हूं आप इसको देखिए तुरंत पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाइए इससे बाहर जा ही नहीं सकता है

और ये पहले बेसिक समझ लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का पूरा ये ड्यूटी पॉलिटी की इंडियन पॉलिटी है उसकी समरी है है ये ठीक थी, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं इसमें पहली बात तो ये है कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था यानी कि जो सब शुरू में संविधान बना था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी ठीक है उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटी या फिर मूल कर्तव्य नहीं थे उस समय सिर्फ क्या थे फंडामेंटल राइट्स थे लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह एहसास हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए और राइट right भी होने चाहिए एक डेमोक्रेसी दो में, में दोनों चीजों का बैलेंस बना रहना चाहिए तो इसीलिए फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में जो कि बनाया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंड देखिए कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की स्वर्ण सिंह कमेटी उन्होंने ये बोला कि हाँ आठ फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करना चाहिए हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने दस फंडामेंटल ड्यूटी इसमें जोड़ दी थी अब देखिए सबसे पहली बात तो ये भी है कि जो सोशलिस्ट जितनी भी कंट्रीज हैं जो भी समाजवादी मतलब जो देश है वहां पे फंडामेंटल ड्यूटी और राइट right को दोनों को बराबर का वैल्यू दिया जाता है बराबर का मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन होता है कि फंडामेंटल ड्यूटी भी जरूरी है फंडामेंटल राइट right भी जरूरी है फंडामेंटल जो राइट right है वो नागरिकों का अधिकार है ये सब चीजों का जो भी एक देश में होते हैं वैसे ही जैसे वो लोग अधिकार अपने मतलब मांगते हैं या फिर कुल मिलाकर इन्फोर्स कराते हैं वैसे ही उनकी कुछ ड्यूटी भी होते हैं कुछ कर्तव्य भी, भी होते हैं लेकिन जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वहां पे फंडामेंटल ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है सिर्फ अगर आप पूरे देशों की बात करेंगे तो सिर्फ जापान ऐसा है कंट्री इंडिया के अलावा जहां पे फंडामेंटल ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट भी है तो ये तो तो हो गया बेसिक तो इसीलिए फिर ये 1975 में जब इमरजेंसी लगी उस समय जब आपातकाल लगा था तब कांग्रेस की सरकार ने ये महसूस किया कि यहां पे इंडिया में मौलिक कर्तव्य भी, भी होने चाहिए मूल कर्तव्य भी, भी होने चाहिए तभी कुल मिला के स्वर्ण सिंह कमेटी बना दी गई और उसने किया फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि जो संविधान का संशोधन था बयालिसवालाइनटीन सेवेंटी सिक्स में उसको क्या बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे जो संविधान के प्रोविजन थे उनको चेंज कर दिया गया था और देखिए फोर्टी सेकेंड की बात चली तो एक चीज ये भी जान लीजिए एक इसकी ट्रिक भी है फोर्टी सेकेंड की एस एस आई डी मैंने आपको कई बार बता रखी है एस से होता है सेकुलर एस से होता है सोशलिस्ट आई से होता है इंटीग्रिटी और डी से होता है ड्यूटी यानी कि जो बयालिवा संविधान संशोधन हुआ था उसमें चार चीजें जोड़ी गई थी एस एस आई डी आप जरूर याद रखिएगा ठीक है और ये जो ड्यूटीज हैं प्रेरित कहां से यूएसएसआर से प्रेरित है सबसे पहले तो ये कि मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि पहली बात तो तीन चीजें हैं जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को तो कोई ड्यूटी नहीं थी फिर जब संशोधन हुआ 1976 में तब 10 ड्यूटी जोड़ दी गई फिर उसके बाद 2002 में एक ड्यूटी और जोड़ दी गई ग्यारहवीं वाली वो ड्यूटी क्या थी वो भी मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी कि जितने भी छह से चौदह साल तक के बच्चे हैं उनके जो पेरेंट है गार्जियन है उनका ये फंडामेंटल ड्यूटी है या फिर मूल कर्तव्य है ये की वो अपने बच्चों को छह से चौदह साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिलाए ये सभी की ड्यूटी है ठीक है ये ग्यारहवीं ड्यूटी जोड़ी गई थी एट्टी सिक्स अमेडमेंट एक्ट हुआ था दो में अभी जो फंडामेंटल ड्यूटी डिफाइंड किसमें है पार्ट फोर ए में डिफाइंड है और सिर्फ इनके लिए एक आर्टिकल फिफ्टी वन ए देखिए पार्ट ये फोर का सब पार्ट बनाया गया तो ये किसका क्रिटिसिज्म भी है तो ये तो ये हो गया बेसिक अब थोड़ा आगे चलते हैं देखिए सिंह जो कांग्रेस ने फॉर्म की थी उन्होंने आठ ड्यूटी को रिकमेंड किया था लेकिन जो भारत सरकार थी उन्होंने फिर फाइनली दस ड्यूटी अडॉप्ट की उस टाइम पे और फाइनली एक और जोड़ती थी दो हजार में दो में तो इस समय जो पोजिशन वो क्या है वो इस समय ग्यारह ड्यूटीज है फंडामेंटल ड्यूटीज जितने भी सिटीजन होते हैं सभी की ठीक है एक चीज यहां पे ये जरूरी याद रखिएगा जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं ये सिर्फ नागरिकों के लिए होती हैं ठीक है थीके? ये आ, जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए नहीं होती है, सिर्फ सिटीजन के लिए होती है ठीक है उसके बाद देखिए एक ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने एक्चुअली कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी रिकमेंड किए थे जैसे कि अगर आप ड्यूटी एक जो होती है आपको टैक्स पे करने की ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दी जाए दूसरी बात यह कि जो ड्यूटी जैसे बना रही थी गवर्नमेंट इन्होंने बोला कि ऐसा पार्लियामेंट को आप लॉ एक मतलब एक पार्लियामेंट को भी ये पावर दे दो संसद के पास ये पावर होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई ड्यूटी का कंप्लायंस नहीं हो रहा है उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है तो ये वाला एक प्रोविजन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं माना कि नहीं संसद फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स कराने के लिए कानून नहीं बना सकती है दूसरी बात बातों इन्होंने और रिकमेंडेशन किया था कि अगर मान लीजिए किसी ने फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानी और सरकार ने कुछ पेनल्टी या फिर कुछ दंड लगा दिया तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो ये वाले तीन प्रोविजंस स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो बोले थे लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं माने ये क्रिटिसिज्म भी होता है ठीक है ये वाली चीज याद रखिएगा अब देखिए ट्रिक देख लेते हैं ट्रिक क्या है पहले देखिए इससे पहले दस ड्यूटी देख लेते हैं जो ग्यारह है हमारी ड्यूटी उनकी पहले एक बार देख लीजिए कि क्या क्या ड्यूटी है एक्चुअली देखिए एक बार पहले देख लीजिए आपको ये वीडियो आप पूरा जब देख रहे हैं तो हर चीज देख ही लीजिए ठीक है इस समय फिफ्टी वन ए यानी कि फिफ्टी वन का में मूल कर्तव्य पूरे डिफाइंड है पार्ट है फोर ए यानी कि चार का भी ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है यहाँ पे पहले मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ देखिए पहला ये कि संविधान का पालन करें उसके और भी और यूनिटी इंटीग्रिटी रक्षा करें देश की रक्षा करें सभी लोगों में समरसता है इसके लिए प्रयास करें जो हमारी सामाजिक सांसिक ये संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा को समझे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधियां होती है उनकी ओर मतलब कुल मिलाकर बढ़ने का सतत प्रयास करें और फाइनली जो इलेवंथ वाली ड्यूटी है यदि माता पिता या संरक्षक छह से लेकर चौदह साल तक के जो आपके बच्चे हैं ये आपकी कर, मौलिक कर्तव्य है कि आप उनको एजुकेशन जरूर दिलाएं अब देखिए इंग्लिश में देखते हैं जो जो मैंने ट्रिक बनाई वो इंग्लिश से ही बनाई है एक्चुअली ठीक है ये देखिए मैं कीवर्ड आपको पकड़ के दिखाऊंगा वो आपको समझ में आने चाहिए ठीक है पहली ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स नेशनल नेशनल फ्लैग और एंथम इन सबको रिस्पेक्ट करना है मतलब कि यहां से कीवर्ड क्या पकड़ में आता है रिस्पेक्ट तो ये आर देख लीजिए ठीक है दूसरा वाला जो ड्यूटी है वो टू एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स जो नोबल आइडियल्स थे जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था उनको कुल मिला के ये चेरिस किया था उनको इंस्पायर किया था तो यहाँ पे क्या वर्ड पकड़ेंगे फॉलो ठीक है यहाँ से आप एफ ले लीजिए ठीक है अभी मैं बताता हूँ एक तीन वर्ड याद रखने बस आपको वो हो जाएगा पूरा काम टू अपड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेंटी यूनिटी इंटीग्रिटी यानी कि यहाँ पे क्या करना है प्रोटेक्ट करनी है प्रोटेक्ट क्या करना है सोवरेंटी यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की फिर डिफेंड करना है डिफेंड कंट्री को किससे करना पड़ेगा जब भी मान लीजिए भारत को जरूरत पड़ेगी हमारी तो हमको कंट्री को जाना पड़ेगा बचाने ठीक है उसके बाद प्रमोट क्या करना है प्रमोट करनी है जो कॉमन प्रिजर्व की भावना है वो प्रमोट करनी है तो यहाँ पे आपका क्या आ गया प्रमोट से पी हो गया यहाँ से डिफेंड का डी हो गया यहाँ से प्रोटेक्ट का पी हो गया उसके बाद है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व प्रिजर्व क्या करना है जो हमारा रिचेड हेरिटेज है वो प्रिजर्व करना है तो यहाँ से पी हो गया प्रोटेक्ट फिर और करना है देखिए प्रोटेक्ट एक और है हमारी यूनिटी सोवरेंटी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट तो करना ही करना है लेकिन जो हमारा ने, नेचुरल इन्वायरमेंट है फॉरेस्ट है लेक है रिवर है ये इन सबको भी हमको प्रोटेक्ट करना है तो इसका भी एक पी आ गया और हमको साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप करना है तो इसका आ गया डी उसके बाद हमको सेफ क्या करनी है? पब्लिक प्रॉपर्टी करनी तो ये आ गया एस और दूसरी बात है ये कि हमको एक्सीलेंस की तरफ मूव करना है ताकि कुल मिला के जो नेशन है हमारा वो हायर लेवल ऑफ इंडेवर्स और अचीवमेंट कुल मिला के विकसित हो सके ये वाली बात है तो यहाँ पे एक्सीलेंस का आ गया ई और ये जो है आपका अपॉर्चुनिटी देनी है छह से चौदह साल तक के बच्चों को कि उनको भी प्राइमरी एजुकेशन मिल जाए तो ये है ऑपरचुनिटी से ए तो देखिए आपको तीन वर्ड याद रखने हैं डीपीएसपी ठीक है डीपीआरपी और ओ एफ देखिए आपको आवाज आ रही है कि नहीं मैंने चेक नहीं किया एक मिनट ये सबको क्लियर आ रही है ना आवाज पूरी है जल्दी से बताइए। और देखिए आपको आवाज़ आ रही है? नहीं? नहीं आ रही आवाज आ रही है आ रही है, लेकिन काफी कम लोग हैं। फंडामेंटल ड्यूटी देखिए मैं ये सब चीजें जब बताता हूँ तो काफी ज्यादा डिटेल में बताता हूँ लेकिन शायद डिटेल में पढ़ने वाले सीरियस लोग कम है चलिए देख लेते हैं जितने भी लोग हैं ट्रिक क्या है फंडामेंटल जो ग्यारह ड्यूटीज है उनको याद रखने की डीपीएसपी याद रखना है देखिए डी पी आप जानते भी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ठीक है वैसे जैसे डीपीएस है वैसे डीपीआरपी आप याद कर लो और ओ एफ एक फैक्ट्री होती है जो ऑर्डिनेस रिक फैक्ट्री होती है वैसे तीन शब्द अगर आपको याद रह गए तो आपको ग्यारह की ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटी याद रह जाएंगी देखिए डीपीएसपी से क्या हो जाएगा डी से हो जाएगा डिफेंड अब डिफेंड क्या करना है हमको हमको कंट्री को डिफेंड करना है जब भी हमको कंट्री पुकारेगी तो हम जाएंगे बचाने ये हो गई डिफेंड फिर पी से हो जाएगा आपका प्रमोट तो प्रमोट क्या करना है हार्मनी और ब्रदरहुड

प्रोटेक्ट हमको देखिए यूनिटी इंटीग्रिटी से भी करनी है और जो हमारे नेचुरल एनवायरमेंट है रिवर्स है लेक्स हैं ये भी प्रोटेक्ट करनी है आर से हो जाएगा रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट क्या करना है हमको रिस्पेक्ट करना है जो भी हमारे आइडल्स हैं इंस्टीट्यूशन हैं नेशनल फ्लैग है ये सब ठीक है पी से लास्ट में क्या हो जाएगा प्रिजर्व प्रिजर्व क्या करना है जो हमारा रिच हेरिटेज कल्चर है ठीक है, है e एक्सेलेंस, एक्सेलेंस फॉलो करना, करना है जो नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे किए गए थे अब देखिए इसमें भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म है ये तो एक ट्रिक हो गई अगर आपको समझ में आ जाती है तो बहुत ही बढ़िया बात है वरना फिर देख लीजिएगा फिर आप 11 की 11 ड्यूटी रख लीजिएगा फिर ठीक है तो डीपीएसपी डीपीआरपी ओईएफ ये छोटी सी

उसके बाद ये किसने किसकी रिकमेंडेशन पर सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी की रिकमेंडेशन पर बनी थी ये उसके बाद और अगर आप चीज देखें तो इसमें ये जो है ये ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है ये नागरिकों के लिए है जो विदेशी है उनके लिए नहीं है अब देखिये कुछ इसमें से ड्यूटीज मोरल है और कुछ है सिविक ठीक है उसके बाद है कुछ के लिए मतलब लोगों ने बोला है कि एक कुल मिला के एक कोडिफिकेशन कर दिया है जो कि इंडियन वे ऑफ लाइफ में था पहले से सिटीजन्स के लिए केवल और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये नॉन जस्टिस है मतलब इनको जो कोर्ट है वो इन्फोर्स नहीं करा सकता है मतलब मान लीजिए अगर फंडामेंटल ड्यूटी कोई नहीं मान रहा है जैसे कई बार आपने केसेस सुने भी होंगे कि कुछ लोग राष्ट्रधान में नहीं खड़े होते हैं या फिर कुछ लोगों को बंदे माध्यम से तकलीफ होती है तो कुल मिला मतलब ये फंडामेंटल जैसे आपका तो आप कोर्ट जा कराएगा कराएगा जाने का मन तो आप कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत ठीक है वो भी करा देगा लेकिन उसमें फिर कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन ये जस्टिस एबल नहीं है तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो डीपीएसपी की तरह जस्टिस एबल नहीं मतलब आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता अगर आपने वायलेट कर दिया इसको तो और एक बात और फंडामेंटल ड्यूटी जो है पूरे भारत में लागू है जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये वाली बात तो आपको पहले भी मैंने बता दी क्रिटिसिज्म यही है इनका कि देखिए ये पूरी तरह से एग्जॉस्टिव नहीं है कई सारी ड्यूटी छोड़ दी गई है जैसे कि जो पेइंग टैक्सेस वाली वोट देने वाली ड्यूटी इतनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ड्यूटी तो आपने छोड़ दी है तो ये जो दस है ये कुल मिला एक कोड बना दिया है जो की पहले से लोग फॉलो करते हैं ये क्रिटिसम है बहुत वेग है अब ये कहते हैं कि चेरिस करो और जो हमारे नोबेल आइडिया से जो हमको स्वतंत्रता दिला गए थे आप बताइए अगर लोग इंटरप्रिट करना चाहें तो एक तरफ है हमारे गांधी जी और एक तरफ है हमारे भगत सिंह आजाद जी ठीक है तो उस टाइम पे तो भगत सिंह की फिलोसफी भी अच्छी थी और गांधी जी की भी फिलोसफी अच्छी थी ये शांति के लिए कहते थे कि शांति से हम नॉन वायलेंस करेंगे और प्लस सत्य और अहिंसा के साथ लड़ेंगे भगत सिंह कहते थे कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है इनको मारना ही पड़ेगा रातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं तो कुल मिला के दोनों ही अच्छे थे लेकिन आज के टाइम पे अगर मान लीजिए लोग ये सोचे की भगत सिंह को फॉलो करेंगे कि नहीं हमारी गवर्नमेंट अत्याचार कर रही है रिजर्वेशन कर रही है जॉब नहीं दे रही है ये सब चीजें तो मतलब ये लोग भी अगर विद्रोह करने लगे तो ये मतलब इसका इंटरप्रिटेशन बहुत वेग तरीके से निकाला जा सकता है समझ रहे हो बात ही है और

आप देखिए इसका लेकिन सिग्निफिकेंस फिर भी है चाहे ये जितना भी आप क्रिटिज्म कर लो ले, लेकिन ये रिमाइंडर होता है जो हमारे नागरिक हैं कि उन ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने राइट right के लिए लड़ो ड्यूटी भी होती है दोनों का बैलेंस बनाकर रखो इंदिरा गांधी जी ने भी बोला था एक डेमोक्रेसी में राइट right और ड्यूटी का दोनों का एक बैलेंस रहना चाहिए अगर आप राइट right अपने हक की बात करते हो तो आपको कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए और ये दूसरी एलिमेंट जो होते है, है, तो है ज्यादा दिन तक झेलेगा नहीं और देखिए ये, ये, तो ये मतलब पार्लियामेंट चाहे संसद चाहे तो लॉ तो बना सकती है फंडामेंटल इन्फोर्स कराने के लिए बस ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज की तरह जस्टिसबल नहीं मतलब इसके लिए आप एकदम फंडामेंटल राइट कोर्ट नहीं जा सकते करना ही पड़ेगा लेकिन संसद चाहे तो लॉ बना सकती है और दूसरी बात कोर्ट की जजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं जितनी भी चीजें यहां लिखी हुई है सोर्स है ये कुल मिलाकर इंस्पिरेशन का लोगों को डिसिप्लिनड वे में रखने का ये सब चीजें हैं अब देखिए सबसे एक और इंपॉर्टेंट लास्ट में ये पूरा देखिए समरीज में देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी के में जो देखिए कुछ सारे लॉ भी एक वर्मा कमेटी थी वर्मा कमेटी ने एक्चुअली ये 1999 में बनी थी

और ये सब चीजों को आप ये नहीं कर सकते डिसरिस्पेक्ट और इसीलिए एक्ट बनाया गया तो मतलब भी लीगल प्रोविजंस भी कुछ कुछ बनाए हैं संसद ने जो हमारी ड्यूटी है उनको फॉलो करवाने के लिए कई सारे क्रिमिनल एक्ट भी हैं ताकि वो ये जो इनमिटी होती है दुश्मनी होती है इन सबको कुल मिला इनके खिलाफ दंड दे सके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट नाइनटीन में बनाया गया था वो भी ऐसे जो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे जो भी ये पनिशमेंट है उनको ये मिला के कोडिफाई करता है आईपीसी में भी कई सारी चीजें हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी है, है तो कहती है कि आप रेयर और इनडेंजर स्पीसीज को नहीं खत्म कर सकते जो कि हमको प्रोटेक्ट भी करना था प्रोटेक्ट याद है ना कि डीपीएसपी डीपीआरपी और OEF, तो ये एक प्रोटेक्ट यह था और फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट आया था में, वो भी ये सब डिफॉरेस्टेशन मत करो ये सब जो फॉरेस्ट लैंडो